धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने हाल ही में भरत तख्तानी संग अपने तलाक की अनाउंसमेंट की थी। तब से वो सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं एक्ट्रेस ने अब एक नए इंटरव्यू में अपने अतीत को लेकर परेशान करने वाली घटना के बारे में खुलासा किया है। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी एक 2005 के फिल्म के प्रीमियर के दौरान एक शख्स ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। जी हाँ, तमिल फेमिनिस्ट के एक एपिसोड में ईशा देओल ने अपने साथ हुई छेड़छाड़ की घटना का खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने बताया कि यह घटना पुणे में उनकी फिल्म 10 के प्रीमियर इवेंट के दौरान हुई थी। उनके साथ उस कार्यक्रम में उनके साथ संजय दत्त, सुनील शेट्टी, जायद खान और अभिषेक बच्चन सहित उनके कई को स्टार्स मौजूद थे। बांसुरों से घिरे होने के बावजूद जब वो इवेंट वेन्यू में एंट्री कर रही थी तो भीड़ में से एक शख्स ने उन्हें गलत ढंग से छुआ था। बताते चले ईशा ने आगे ये भी कहा कि उस पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ और मैंने भी फौरन उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से बाहर खींचा और उसे थप्पड़ भी मारा था। ये बताते हुए कि वो इस घटना को नजरअंदाज क्यों नहीं कर सकी। दरअसल ईशा ने आगे कहा कि मैं गर्म स्वभाव वाली नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी सहनशीलता के स्तर से परे कुछ करता है तो मैं रिएक्ट जरूर करती हूँ। ऐसे में महिलाओं को जरूर बोलना चाहिए। सिर्फ इसीलिए कि पुरुष शारीरिक रूप से मजबूत हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारा फायदा उठा सकते हैं। मेरा मानना ये है कि महिलाएं इमोशनली स्ट्रांग होती हैं और हमें इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बताते चले कि ईशा देओल ने 2012 में बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी की थी और वो 2 बेटियों राध्या और मीराया की मां है। हालांकि फरवरी 2024 में उन्होंने भरत तख्तानी से शादी के बाद 12 साल बाद अलग होने की घोषणा कर दी। वहीं प्रोफेशनल फ्रेंड की बात की जाए तो ईशा ने कोई मेरे दिल से पूछे से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और ना तुम जानो ना हम अपनी LOC कारगिल और क्या दिल ने कहा जैसे फिल्मों में वो काम कर चुकी है। बताते चले कि ईशा ने यहाँ पे भी अपनी आवाज उठाई और उन्होंने महिलाओं के प्रति अपना कर्तव्य दिखाया जो कि उनका फर्ज था वहाँ पे करना। वैसे आपकी इस पे क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट9लाइफ।